Hello students, welcome to our e-lecture series. Myself Dr. Mamta Singh from Sai College Sector 6 Bhilai. Today our topic is overview of database management system. Basically this topic is related to syllabus of MSc CS second semester, but this topic is common for all classes like BCA second year, BCom and BSc. This is our part 1 video because this topic have so many subtopics. So let's start with our video. Overview of database management system. This topic is paper 1 RDBMS. What is DBMS? DBMS is a tool for managing all activity of database. Let's start with DBA because our topic jo aaj ka hai wo hai database administration and their roles. DBA is a database administrator. Database administrator is a person or group of person who maintains specialized software to store and organize data and create successful environment by directing or performing all related activities to keep the data safe. That means database administrator एक व्यक्ति या बहुत सारे persons का समूह हो सकता है, group हो सकता है, जो किसी संस्था के लिए work करते हैं. किसी भी organization के लिए वह सबसे important व्यक्ति होता है, क्योंकि इसे सारा data इसके knowledge में होता है, और इसे सब पता होना चाहिए और होता है. जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर का जो ओनर है, जो वहां पर बैठता है, उसे अपने मेडिकल स्टोर का स्टॉक, सेल्स, परचेस, सारी इन्वेंटरी, इवन एम्प्लॉई, वेंडर्स नेम, सभी का डिटेल पता होता है. तो उस मेडिकल स्टोर के लिए वह क्या हुआ, डीबीए हुआ. सिमिलरली सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डीबीए होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को मेंटेन करता है, डिजाइन करता है, और उससे रिलेटेड जितनी भी फंक्शंस होते हैं लाइक डेटा को एक्सेस करना, सिक्योरिटी देना, ऑथराइज करना यूजर को, ये सारा काम डीबीए का होता है. तो डीबीए एक सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है किसी भी संस्था के लिए, और ही और शी मे बी अ सिस्टम एनालिस्ट और ए सिस्टम प्रोग्रामर, जिसे एडिशनल एक्टिविटी भी दे सकते हैं कि सिस्टम प्रोग्रामर को हम डीबीए भी बना सकते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स ऑफ डीबीए. वैसे तो डीबीए के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसमें हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर करते हैं. टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, द एडमिनिस्ट्रेटर हैज अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड नीड्स. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डीबीए को उस एंटरप्राइज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. He or she is responsible for the design, implementation, maintenance and repair of an organization database. वह जो भी व्यक्ति होगा उस organization के database को design कर सकता है, implement कर सकता है, maintain करता है and repair करता है. DBA has many different responsibility, but the overall goal of the DBA is to keep the server up at all time and to provide users with the access to required information. When they need it. वैसे तो डीबीए के बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, पर सबसे इम्पोर्टेंट वर्क डीबीए का है कि उस ऑल टाइम डेटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी यूजर्स को दे और सिक्योरिटी को मेंटेन करे. द डीबीए मेक्स श्योर दैट द डेटाबेस इज प्रोटेक्टेड, फ्री फ्रॉम करप्शन एंड चांसेस ऑफ डेटा लॉस मिनिमाइज्ड. डेटा एक्सेसिबिलिटी के साथ डीबीए का ये भी एक मेन वर्क होता है कि वो डेटाबेस जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई करप्शन ना हो, कोई अनऑथराइज यूजर उसे यूज ना कर सके, और डेटा का लॉस मिनिमम हो. क्योंकि 100% हम ये सिक्योर नहीं कर सकते कि डेटा का लॉस नहीं हो, बट मिनिमम से मिनिमम डेटा लॉस हो, ये सारा चीज डीबीए को कंट्रोल करना होता है. डीबीए हमने आपको बताया, साथ में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि डीबीए कितने टाइप के होते हैं. जैसे हमारे सिलेबस में वैसे केवल डीबीए लिखा हुआ है, बट एडमिस बहुत सारे डीबीए के टाइप्स होते हैं, तो उसे भी हमें जानना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डीबीए.
administrator DBA. This DBA is mainly concerned with installing and maintaining DBMS server. His prime tasks are installing backup, recovery, security, applications, memory management, configuration and tuning. बस ये सबसे इम्पोर्टेंट डीबीए होता है कहना चाहिए. आप देख रहे हैं कि सारे काम डीबीएमएस या डेटाबेस या स्कीमा की डिजाइन करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, बैकअप एंड रिकवरी की प्रोसीजर्स को जनरेट करना, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको डेवलप करना, मेमोरी को मैनेज करना, ये सारे काम एडमिनिस्ट्रेटिव डीबीए का होता है. He is mainly responsible for all administrative tasks of a database. Database के सारे administrative tasks के लिए ये मुख्यतः responsible होता है. Development DBA. He is responsible for creating queries and procedure for the requirement. किसी भी requirement के लिए जो queries आती हैं, जो procedure आता है, उसे देखने का काम Development DBA का होता है. Basically, his task is similar to any database developer. जैसा नाम है इसका development DBA, जो भी database task होते हैं उनको develop करने का जो काम होता है, that is related to development DBA. Database architect. Database architect is responsible for creating and maintaining the users, roles, access rights, tables, view, constraints and indexes. डेटाबेस आर्किटेक्ट जो होता है वो डेटा पे टेबल क्रिएट करने के लिए एक्सेस राइट का मतलब होता है कि जो जितने भी हमारे यूजर्स हैं उसको कौन सा राइट देना है, कौन सा राइट नहीं देना है. राइट्स तीन टाइप के होते हैं, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट. दैट मीन्स कोई डेटाबेस वो पढ़ सकता है तो उसे रीड राइट मिलेगा. राइट के लिए वो रीड भी कर सकता है या राइट भी कर सकता है, तो रीड राइट दोनों अथॉरिटी मिलेंगी. एग्जीक्यूट राइट होता है जिसमें वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है, तो इन टाइप के राइट्स को डेटाबेस प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को. तो ये सारे जिम्मेदारी जो रहती है वो डेटाबेस आर्किटेक्ट की होती है. डेटा वेयर हाउस DBA. डेटा वेयर हाउस शुड बी एबल टू मेंटेन द डेटा एंड प्रोसीजर फ्रॉम वेरियस सोर्स इन द डेटा वेयर हाउस. बहुत सारे डेटाबेस, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास 15 डेटाबेस हैं, अगर हम 15 डेटाबेस का एक डेटाबेस बनाएं, दैट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस ऑफ दैट डेटा. दिस सोर्स कैन बी फाइल, इसका एक एग्जांपल कोबोल में लिखा गया है, कोबोल और एनी अदर प्रोग्राम्स. किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम इसे मेंटेन कर सकते हैं. हियर डेटा एंड प्रोग्राम्स विल बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. ये डेटा प्रोग्राम किसी भी सोर्स से लिए जा सकते हैं. अ गुड डीबीए शुड बी एबल टू कीप द परफॉर्मेंस एंड फंक्शन लेवल फ्रॉम दीज रिसोर्सेज एट सेम पेस टू मेक द डेटा वेयर हाउस टू वर्क. डेटा वेयर हाउस DBA जो होता है डिफरेंट रिसोर्सेज से डेटा को लेता है और स्टोर करके रखता है, और जब भी दूसरे यूजर्स को इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसे उन्हें प्रोवाइड कराता है. एप्लीकेशन DBA. He acts like a bridge between the application program and the database. Application program और database के बीच में ये एक bridge का काम करता है. He makes sure all the application program is optimized to interact with the database. जितने भी application programs होते हैं वो database के साथ properly interact कर सकें. User जो भी application program के through करना चाहता है, data लेना चाहता है, क्वेरी सॉल्व करना चाहता है, तो वो उन्हें मिल सके, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेशन DBA की होती है. OLAP DBA. ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग के लिए ये DBA रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग द डेटाबेस इन OLAP सिस्टम. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स ऑफ DBA. देर आर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल ऑफ DBA आर देयर. Database schema design, performance monitoring and tuning, database availability, database security, backup and recovery, data integrity, monitoring and maintenance of database, assistance to application programmer, granting user authority to access the database, improving query processing and performance, data dictionary management and testing. First point is database schema design. What is schema?
स्कीमा इज बेसिकली अ डेटाबेस। जब भी हम किसी सपोज फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय स्टूडेंट्स फैकल्टी किसी का भी हम अगर टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसे हम इसका स्कीमा बोलते हैं। द डीबीए क्रिएट्स द कंसेप्चुअल स्कीमा जिसे हम लॉजिकल डिजाइन भी बोलते हैं बाय एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट्स इन द डीडीएल। व्हाट इज डीडीएल? डीडीएल इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज करके डीबीए जो होता है वो एक स्कीमा क्रिएट करता है, स्कीमा को डिजाइन देता है, इसको उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डिजाइन एंड एक्सटर्नल मॉडल। जो फिजिकल डिजाइन होती है दैट मीन्स डेटा एक्चुअल में डिस्क में कहाँ जाके स्टोर होंगे ये भी डेटाबेस स्कीमा में तय किया जाता है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ट्यूनिंग। डीबीए कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस बाय ट्यूनिंग एंड मॉडिफाइंग एसक्यूएल कमांड्स। डीबीए का इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जो भी यूजर्स क्वेरी दे रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम दे रहा है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करे। परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? स्पीड को बढ़ाकर और उसको मॉनिटर करे। तो उसके लिए वो कुछ इंस्टॉलेशंस को पैरामीटर्स को देखता है, उसे अपग्रेड करता है, मॉनिटर मेमोरी एंड सीपीयू का यूसेज क्या है, मेमोरी का क्या यूज हो रहा है, इनपुट आउटपुट कनेक्शन वेल स्टेब्लिश हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ों को ट्यूनिंग कैसी है और एसक्यूएल कोड्स को मॉडिफाई करता है जिससे डीबीए जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी कर सके और इंक्रीज भी कर सके। डेटाबेस स्टोरेज एंड एक्सेसिबिलिटी। डेटाबेस को स्टोर करने का काम कि वो डेटाबेस कहाँ स्टोर होगा, कितनी मेमोरी लेगा और कैसे उसको एक्सेस किया जा सकता है, इजीली एक्सेस के मेथड्स क्या हैं और स्पीडली यूजर्स उसे एक्सेस कर सके, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डीबीए की होती है। डेटाबेस सिक्योरिटी। हमें पता है कि सिक्योरिटी एक मेन फीचर होता है किसी भी डेटाबेस के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो डेटा कहीं लीक नहीं होना चाहिए, कोई अदर एंटरप्राइज उसका यूज ना कर पाए, इसीलिए उसे सिक्योर रखा जाता है। तो सिक्योरिटी एक मेन फीचर होता है जिसे डीबीए को मेंटेन करना होता है। और डीबीए नीड्स टू नो पोटेंशियल वीकनेस ऑफ द डेटाबेस सॉफ्टवेयर एंड द कंपनीज ओवरऑल सिस्टम एंड वर्क टू मिनिमाइज रिस्क। तो इसके लिए डीबीए को उस ऑर्गेनाइजेशन के सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए और डेटाबेस सॉफ्टवेयर का क्या वीकनेस है, क्या कमी है, ये भी उसे पता होना चाहिए ताकि वो उसे कम मिनिमाइज कर सके और रिस्क कम से कम हो सके। नो सिस्टम इज 100% इम्यून टू अटैक। कोई भी सिस्टम 100% इम्यून नहीं होता कि कोई अटैक ना हो, बट डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि कोई अटैक होता है वो किसी भी टाइप का अटैक हो सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है, करप्शन हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, तो उससे वो अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके, वो सिक्योरिटी डीबीए प्रोवाइड करता है किसी भी डेटाबेस को। DBA includes controlling access to the database. Database को जो access करना है उसको भी वो DBA control करता है कि कौन access करेगा, कौन access नहीं करेगा, कौन कितना access करेगा, like providing support services to the end user, managing procedure for backup and recovery of the data. कोई भी हमारा data अगर loss होता है तो हम उसको backup ले सके, उसकी recovery कर सके, या data loss नहीं भी होता है तो उसका backup बना के रखा जाता है कि future में इसे यूज किया जा सके जब भी कोई प्रॉब्लम आए। टूल्स टू एंश्योर डेटाबेस सिक्योरिटी इंक्लूडिंग इंक्रिप्शन एंड यूजिंग फायरवॉल। डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टूल्स का यूज किया जाता है, जैसे आप सभी जानते हैं इंक्रिप्शन एंड फायरवॉल। इंक्रिप्शन होता है डेटाबेस को कोड कर देना ताकि कोई भी हैकर्स उसको डिकोड ना कर पाए, और फायरवॉल भी प्रोटेक्शन होता है जो सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। बैकअप एंड रिकवरी। जैसा हमने पिछले पॉइंट में देखा कि डेटा बैकअप एंड रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर डेटा लॉस हो जाए तो उसको हम रिकवर कर सके। द डीबीए ऑल्सो डिफाइंस प्रोसीजर फॉर बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी के लिए डीबीए प्रोसीजर डिजाइन करता है। डेटाबेस शुड नॉट बी लॉस्ट और डैमेज। किसी भी हालत में डेटाबेस लॉस्ट और डैमेज नहीं होना चाहिए।
The DBA ensures this periodically backing up the database on magnetic tapes or remote servers. Database को कॉपी उसकी बनाकर किसी भी डिस्क में या रिमोट सर्वर में रखी जाती है. इन केस ऑफ फेलियर सच एज वायरस अटैक, डेटाबेस इज रिकवर्ड फ्रॉम दिस बैकअप. किसी प्रकार के अटैक, वायरस अटैक या फ्रॉड, करप्शन अगर होता है और हमारा डेटा लॉस होता है तो वापस इसे बैकअप लिया जा सकता है. नेक्स्ट, डेटा इंटीग्रिटी. डेटा इंटीग्रिटी शुड बी मैनेज्ड एक्यूरेटली बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज. डेटा इंटीग्रिटी से हम अपने डेटाबेस को अनऑथराइज्ड यूज से बचा सकते हैं. डीबीए मैनेज रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा टू मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी. पहले भी मैंने डिस्कस किया, अनऑथराइज्ड यूज मींस जो भी यूजर उसे यूज करेगा डीबीए से पहले उसे परमिशन लेनी होगी. कुछ प्रिविलेजेस होती है जो डिफाइन की जाती है और ग्रांटिंग के थ्रू डीबीए अपने यूजर्स को वो प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है. रीड, राइट, एग्जीक्यूट ये परमिशंस होती हैं जो लेनी पड़ती हैं. तो कौन सा यूजर कौन से डेटाबेस को यूज करेगा, कितना यूज करेगा. फॉर एग्जांपल जैसे हम बताएं आपको कि यूनिवर्सिटी का अगर कोई वेबसाइट है उसमें यूजर का लॉगिन होता है, पासवर्ड होता है. अगर यूजर अपना सॉरी स्टूडेंट्स का लॉगिन एंड पासवर्ड अगर है तो स्टूडेंट्स अपने लॉगिन पासवर्ड से कोई पेज खोलेगा. वो उससे रिलेटेड पेज होंगी, जैसे वो इसमें एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह हो सकती हैं, उसके असाइनमेंट्स दिए हो सकते हैं. पर यही लॉगिन और पासवर्ड अगर कोई फैकल्टी यूज करता है तो उससे फैकल्टी रिलेटेड पेज ओपन होंगे. दैट मीन्स सभी उस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं जो एंड यूजर्स हैं, जो एक्सटर्नल लेयर ऑफ डीबीएमएस में है. तो पर सबके डेटाबेस अलग अलग है. तो इस प्रकार डीबीए सबको अथॉरिटी देता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को उस डेटाबेस से एक्सेस करने के लिए. तो डेटा इंटीग्रिटी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेटाबेस सिक्योरिटी. मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस. डीबीए राइट सब स्कीमा टू डिसाइड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटाबेस. ट्यून एंड रीऑर्गेनाइज डेटाबेस एज नीडेड. एनफोर्स स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स. डेटाबेस कभी कभी किसी एक्सेसिबिलिटी के कारण डिस्टर्ब हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो उसे रीऑर्गेनाइज करना होता है, ट्यून करना होता है अदर प्रोसीजर से रिलेटेड. तो ये सारे काम भी डीबीए के होते हैं कि उन्हें कैसे ट्यून किया जाए, कैसे एक्सेस किया जाए और उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स वो डिजाइन करता है. नेक्स्ट, असिस्टेंस टू एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स. एप्लीकेशन द डीबीए प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू एप्लीकेशन प्रोग्रामर टू डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्राम. आपको पता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होते हैं वो किसी भी एप्लीकेशन के लिए डिजाइन करते हैं कोड्स और प्रोग्राम लिखते हैं. तो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे वो कोडिंग प्रॉपरली कर सके. ट्रेनिंग एंड डीबीएमएस सपोर्ट. The DBA provides or secure technical training and use DBMS tool as well as procedure and standards required for database programming. किसी भी डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए जिन भी टूल्स की आवश्यकता होती है वह DBA प्रोवाइड करता है और इसी के साथ एक टेक्निकल ट्रेनिंग भी अपने एम्प्लॉई को DBA प्रोवाइड करता है. ग्रांटिंग यूजर अथॉरिटी टू एक्सेस द डेटाबेस. यूजर को अथॉरिटी प्रोवाइड करना कि वो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप ऑथेंटिकेशन चेक्स, टेकिंग कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय एंड द राइट्स दे हैव एक्सेस टू इन द सिस्टम. ये पॉइंट को मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है. सिमिलरली वही है कि आपको किस टाइप के परमिशन ग्रांट होने हैं वो यूजर वो डीबीए बताएगा. इम्प्रूविंग क्वेरी प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस. क्वेरीज मेड बाय द यूजर शुड बी परफॉर्म्ड स्पीडली. As we have discussed that user need fast retrieval of answer, so DBA improves query processing by improving their performance. किसी भी यूजर जब कोई क्वेरी करता है तो वो चाहता है कि उसका जो आंसर है वो तुरंत आए, बहुत स्पीडली आए, क्योंकि आज की डेट में स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है. तो उस क्वेरी के अगेंस्ट जो आंसर होता है उसको स्पीडली यूजर तक पहुँचाने का जो काम होता है वो डीबीए करता है. और कैसे करता है, क्वेरी प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके. देन डेटा डिक्शनरी मैनेजमेंट एंड टेक्स्टिंग. डेटा डिक्शनरी क्या होता है, डेटा डिक्शनरी इज अ फाइल और सेट ऑफ फाइल
जहाँ पर पूरा डेटाबेस हमारा स्टोर होता है। एक डेटाबेस के अंदर कई टेबल हो सकते हैं। डेटा डिक्शनरी ही तय करता है कि उस टेबल के अंदर कितने फील्ड्स होंगे, उनका डेटा टाइप क्या होगा, तो इन सबको मैनेज करने का काम डीबीए का होता है। साथ ही उस डेटाबेस की टेस्टिंग भी, कि वो प्रॉपर डेटा है कि नहीं, और उसे टेस्टिंग टूल से फिर टेस्ट किया जाता है आगे की परफॉर्मेंस के लिए। सो स्टूडेंट्स, डीबीए क्या है और डीबीए का रोल क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आपको आज इस लेक्चर के माध्यम से बताया गया। आगे के इसमें अब हम देखेंगे कि डेटा डिक्शनरी क्या है, कितने टाइप्स के यूजर्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।